स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। कैसा लगा? टेस्टी है। तुम्हारे दांत में दर्द है ना? पर खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। अब गोलू खीर को नहीं खाएगा तो खीर को बुरा लग जाएगा, लेकिन एक इलाज है मेरे पास। अगर तुम्हारी ये चाची गोलू के दांत का दर्द खत्म कर दे तो? कैसे? वो ऐसे कि मैं दांत की डॉक्टर हूँ, मुझे आता है दांत ठीक करना, और मैं बच्चों के ही दांत ठीक करती हूँ, और ऐसा दर्द ठीक करती हूँ कि पता भी नहीं चलता कि सब कुछ हो गया। करवाना है? फिर पता है क्या हुआ? फिर वो दिखाओ। फिर कृष्णा ने पूरा का पूरा पर्वत अपने सर पे उठा लिया। पूरा पर्वत? पूरा पर्वत। उस पर्वत का नाम पता है क्या था? गोवर्धन पर्वत। कृष्णा ने उस पर्वत को अपने सर पे उठाया, जितने भी गांव वाले थे, पशु पक्षी, सब लोग, सब के सब उस पर्वत के नीचे आके खड़े हो गए। पता है क्या क्या हुआ? उस दिन बिजली कड़की, बारिश लगातार लगातार होती रही, लेकिन एक उंगली पे कृष्णा ने जो पर्वत उठाया हुआ था उसके नीचे सब लोग बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। आई होप तुमने सबको कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा होने के लिए कह दिया। मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि वेंडर ने क्या कमिट किया। ओके, गॉट इट? या। क्या हो गया रोहित को? इतनी छोटी उम्र में इतना काम का स्ट्रेस। सरप्राइज। रोहित, ये सब इन लोगों ने तुम्हारे लिए प्लान किया है। तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में ये सब केक कट करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। क्या है? क्या है ये सब? हाँ, What nonsense is this? क्या कर रहे भाई? ये लोग तुम्हें नहीं जानते। एक्चुअली क्या है, इसकी बचपन की आदत है, जब इसे मीठा मना होता ना तो आसपास किसी और को खाने नहीं देती, इसलिए केक फेंक लेती। लेकिन कभी कभी दूसरों की खुशी में भी शामिल होना चाहिए। आफ्टर ऑल यू आर वर्किंग एज अ टीम, है ना? चलो आओ, चलो चलो। चलो सबका मुंह मीठा करवा दीजिए। आफ्टर ऑल तुम्हारा पहला इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे एक अर्जेंट फोन आ रहा है। प्लीज हेल्प अस। हाय, तू सही कह रहा था। रोहित को सीखना होगा हाउ टू वर्क एज अ टीम। उसके इस रवैये से अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंची तो नुकसान हमारा होगा। एक घने जंगल में मेमना और उसकी माँ साथ में रहते थे। वो दोनों अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। फिर एक दिन जंगल में भेड़िया आया। भेड़िया काफी शातिर था। उसने भेड़ का शिकार किया। भेड़िया भेड़ की खाल पहन के उनके झुंड में रहने लगा। वो मेमने के साथ मेमियाता, उसके साथ खेलता। पंचघाटी की अंजलि सक्सेना लापता हुई है, मुजरिम अब तक फरार है। तेरे साथ जो भी हुआ ना अंजू, मैं पता लगा कर आऊंगी। मम्मा, तो उस भेड़ी ने सबको मार दिया। ऐसे कैसे मारेगा? मेमने की माँ पूरी दुर्गा माँ है। मैं अपनी दोस्त के गुनेगार को पकड़ कर ही रहूंगी। क्या आप मेरा साथ दोगे? हवाओं में घुला है इश्क, पर उसमें है एक अजब सा रिस्क। कह दूं तुम्हें, इस सोमवार से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। फिर कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना चालू। एक हाथ पे पर्वत और एक हाथ से बांसुरी। सबसे मजेदार बात पता है क्या हुई? गोलू के दांत का कीड़ा।
क्या निकल आया? क्या है ये? मुझे तो लगता है कि ये या तो अनार का या अमरूद का बीज है। क्या खाया था तुमने? अमरूद। तो ये जितने भी बीज बीज होते हैं ना, इनको निकालने के लिए हमें रोज रात को ब्रश करना होता है। ब्रश तो करते ही होगे रोज रात को? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? सब बच्चों को रोज रात को ब्रश करना होता है, ठीक है? और सुबह करते हो ब्रश? हाँ, कभी कभी कर लेता हूँ। सुबह का ब्रश कभी कभी के हिसाब से नहीं होता, मूड हो नहीं हो सुबह का ब्रश रोज करना है, ठीक है? हाँ। और अभी फिलहाल ये लौंग लो, इसे चबा के मुंह में नहीं डाल लेना, ऐसे इसको यहाँ पे दबा के रखना, ठीक है? आज पूरा दिन ऐसे दबा दबा के रखना। काम हो गया? दांत का दर्द कैसा है अभी? अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? दर्द चला गया। यस! माँ, देखो, ये डॉक्टर चाची ने मेरे दांत का दर्द ठीक कर दिया। नमस्ते। खत्म तो नहीं हो गया गोलू? अच्छे से खाना, बहुत सारा है अंदर। खीर तो घड़ी चोखी बनाई आपने। थैंक यू, मैंने मेरी अम्मा से सीखा। आदि? आदि सब हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। ये शांति जी, पीलू जी, पीलू जी का बेटा ये गोलू, इसके दांत में दर्द हो रहा था, मैंने ठीक कर दिया। खीर खाओगे? नहीं नहीं शमा, आप खाइए। क्या हुआ? परेशान हो गया हूँ यार शमा, एक भी वर्कर फैक्ट्री पे काम करने के लिए नहीं आया। कल मैं सबको हायर करके आया, सब लोग काम मिलने पे इतना खुश थे जिसका कोई हिसाब नहीं है, और आज देख लो। अगर कोई नहीं आया तो कोई कारण तो होगा ना कि क्यों नहीं आया, पता किया तुमने कहा? अरे कैसे पता करूं इशमा, कोई होना भी तो चाहिए ना पता करने के लिए। कोई है ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे। एक वर्कर के घर पे गया हूं, उसने मेरे मुंह पे दरवाजा पटक दी। यहां के लोग ना काम ही नहीं करना चाहते, मुझे ऐसा लगता है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती है दूसरी। एक काम करती हूँ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं इशमा, रहने दो। यहाँ के लोगों को ना तरीका ही नहीं पता है कि औरतों से कैसे बात करते हैं कैसे नहीं। देखा था ना आपने उस दिन। आप मत जाओ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, बाहर ना मेहमान है, मैं 2 मिनट में देख कर आती हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे फैक्ट्री नहीं चलेगी भाई। क्या कर रही है तुम? बेटा तुम्हारे आइडियाज बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन तुम्हारा काम करने का तरीका बहुत गलत है। तुम मुझसे पूछ रही? तुम्हें पता तुमने क्या किया? वो स्टाफ है हमारा रूली। पापा, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। अरे पापा, अभी हमारे हाथों में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया, इतना सारा काम पड़ा है, ये केक के सेलिब्रेशन में टाइम निकालेंगे तो काम कब करेंगे? या यू आर राइट, गलती मेरी है। एंड यू नो व्हाट, ये सारा प्रोजेक्ट ना तुमसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। तो मैं रूमी से कहता हूँ सारे स्टाफ को छुट्टी दे दे और तुम अकेले पूरा प्रोजेक्ट संभालो। क्या पापा, क्या बोल रहे हो? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं अकेले? पापा स्टाफ की तो जरूरत होगी ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुद कैसे हैंडल करूंगी? एग्जैक्टली बेटा, बैठो। सिट। तुमने क्या कहा, स्टाफ की जरूरत होगी ना? तो बेटा ये तो हमारा स्टाफ, हमें उनकी हमसे ज्यादा जरूरत है। वो होंगे तो हमारी कंपनी काम करेगी, वो होंगे तो हम अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। एंड इट्स ओनली अबाउट ह्यूमैनिटी। तुम किसी को इज्जत दोगी तो वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। बेटा मेरे पूरे करियर में मैंने शायद ही किसी स्टाफ से बदतमीजी से बात की हो, और अगर की भी है तो तुरंत माफी भी मांगी। दैट्स द ओनली रीजन कि इतने सालों से ये लोग फिर भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। इट्स अ गिव एंड टेक। तुम उनकी इज्जत करोगी तो तुम्हें इज्जत देंगे। तुमने आज क्या किया पता है? उनकी इंसल्ट करके तुमने अपनी इंसल्ट करवाई है, उनकी नजरों में तुमने अपनी इज्जत गवाई है। बेटा बिजनेस तब बिजनेस होता है जब सारे लोग मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। एंड अ टीम इज नॉट एन इंडिविजुअल। जब एक सारे लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं ना, उसको टीम कहते हैं। और टीम में एक दूसरे की इज्जत करना बहुत जरूरी होता है। बेटा आज जो हुआ सो हुआ, अंदर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बिकॉज यू नो व्हाट, जिम्मेदारी मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, तुम्हें साबित करना पड़ता है कि तुम जिम्मेदार हो। स्टार्ट
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।